उधर पे हमारी बगिया है। ये मेरा गांव ऐसा है जहाँ पे मॉल है, पता है तुम? जिस घर में जाओ उस घर में पेड़ा खाओ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब मस्त हो गए और स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ हिंतापुर, अपनी मामी के गांव, मेरी नानी का गांव है। तो ये रही मेरे पीछे मेरी मामी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग हर बार रक्षाबंधन में प्लान करते थे कि बड़े वाले मामा के यहाँ चलेंगे घूमने, लेकिन हो नहीं पाता था। तो आज मैं मम्मी को लेके आया हूँ। अभी रात में 7:30 हो रहा है और मैं आ गया हूँ। मेरे घर से करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। आ गए अपन। भाभी और नंद का प्यार देखिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ये छत है, यहीं पे सोया था मैं। और ये रही खटिया, सारी छत में खटे खटे डाल ली थी। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, नीचे मतलब गर्म आता है तो ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो यहीं पे सो गया था। अभी उठ गए, मम्मी का कॉल आ गया था। मैं तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, बहुत बातें बातें करते रहे तो बहुत लेट सोए थे। बाकी छत का माहौल देखो, एकदम बादल हो रखे हैं थोड़े थोड़े। और बस नीचे चलते हैं, नहाते वहाते हैं, राखी रक्षाबंधन का देखते हैं क्या कैसा सीन है। देखो ये रहा मेरा गांव, वो सामने वाले मामा का घर और ये वाली छत मेरे मामा की। यहाँ पे सोया था मैं पीछे वाले घर पे। ये रही हमारी मामी जी, सुबह सुबह बैठ के कुछ कर रही हैं। मामी चाय बना दी है, चाय चाय हैंग हो गई थी क्या? अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मामी का अपन ब्लड शुगर चेक करते हैं, क्योंकि ये मैं ले आया था मशीन, तो इनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि कितना शुगर है इनका। देखो ये है मेरे घर का आंगन, ये तुलसी लगी हुई है, मामी वहाँ चाय बना रही है और चिप्स तल रही हैं, शायद पापड़ तल रही हैं। अच्छे लगेंगे सुबह सुबह खाने में चाय के साथ। 7 बज रहे हैं और सब लोग उठ गए हैं, मतलब पूरा गांव उठ गया होगा। अभी ये खास बात होती है गांव की कि 4-5 बजे से लोग उठना चालू कर देते हैं और रात में 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक सब अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। तो चाय का वेट हो रहा है, चाय आ जाए फिर चाय पीते हैं, फिर नहाते धोते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं। मेरी चाय ग्लास में और पापड़ मस्त तल दिए। मम्मी और मामा हमारे और ये सुरेंद्र मामा भी आ गए मिलने सुबह सुबह, सब बैठे हैं। ये हमारी मम्मी लंग लगा रही है मस्त। तो अब मैं फाइनली सो के उठ गया हूँ। सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी दोबारा से, तो मैं आधे घंटे के लिए सो गया, पर ये लोग जगा के जगा ही दिया इन्होंने। तो मैं पूरा घर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को अपना, मतलब ये गांव वाला। और जब भी मुझे टाइम मिलता था बचपन में, तो मैं 15-20 दिन के लिए हमेशा आ जाता था। सबसे ज़्यादा यहाँ मैं ही आया हूँ अगर बच्चों में देखा जाए तो, सारे भाई बहनों में। तो मैं पूरा घर दिखाने वाला हूँ आपको, सब कुछ दिखाऊंगा, पूरा गांव दिखाऊंगा, मस्त गांव की एक एक चीज़ दिखाऊंगा। बढ़िया चूल्हे में चाय वाय बनवाएंगे, पूरे मौज करेंगे आज। देखो वो रहा गेट, ठीक है। तो पहले ऐसा था, ये मामा का घर सामने वाले और ये मामा का घर, मतलब अभी भी एक है बट ये बीच में बाउंड्री नहीं बनी थी। बाउंड्री बनने का रीज़न भी यही है क्योंकि वहाँ भैंस है, तो उनका भैंस का खाने पीने का सारा वो बाउंड्री के आसपास वो टाइप बनता है ना, तो उसमें भूसा खाती है, इसलिए उसकी वजह से वो बनवाया गया। तो ये पूरा एक है, वहाँ बहुत बड़ा गेट है और एक अंदर यहाँ पे, इसके बाद ये मैदान टाइप है। अब यहाँ घास हो गई है, इसके बाद लेके चलता हूँ ये गेट, यहाँ से एंटर करते हैं अपन। ये बहुत बड़ा आंगन है, छत का रास्ता, यहाँ पे सोते हैं बढ़िया। गांव में भी अब पंखे वंखे लग गए हैं फुल, एक कमरा ये एक खटिया डली हुई है। जब गर्मी होती थी तो हम सब जहाँ पे लात रख के सोते थे, 2-3 बच्चे यहाँ बैठ जाते थे, बहुत मजे करते थे। देन ये अभी मामी किचन मतलब गैस बाहर रख के खाना बना रही है, लेकिन हटा मामी, पहले हमारा किचन ये होता था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कंडे रखे हुए हैं, इनको जला के खाना बनता है। और ये देखो एकदम पुराने जमाने वाला फील,
देखो यहाँ पे सारी चीजें खाने पीने की बना के इधर रख देते थे अपन, यहाँ पे रोटी या यहाँ पे दाल चावल जो भी बना है सब यहाँ रख देते थे। अभी इसको बंद कर देते। और ये देखो, ये है चूल्हा और ऊपर चिमनी है, मतलब यहाँ से चूल्हे का धुआं निकलता है। अब देखो भाई, इंडक्शन लग गया है, पूरा गांव थोड़ा ना लगता है। फिर अंदर आएंगे तो यहाँ एक कमरा है स्टोर रूम टाइप का, यहाँ सारा गल्ला वल्ला रखते हैं, मतलब चावल गेहूँ ये सब रखा रहता है, वहाँ नहीं जाता मैं ज़्यादा। और फिर ये हमारे बड़े भैया और भाभी का रूम है भाई, बेड पड़ा हुआ है शानदार, फ्रिज है भाई, फ्रिज भी है, कूलर भी है, और ये ड्रेसिंग टेबल है, भगवान के मंदिर, मतलब गांव जैसा फील अब नहीं आता। वो मम्मी जा रही है बगल वाली मामी के यहाँ राखी बांधने। किसको राखी बांधने जा रही है मम्मी? मामी को ही राखी बांधने जा रही। मम्मी के नाना नाना जी नहीं, पापा क्या चाचा जी लगेंगे, चाचा जी। ये हमारा दूसरा घर, ये वाला घर है जहाँ मैंने आपको पूरा दिखाया था, और ये दूसरा घर। अरे इतना गरीबों जैसे क्यों बोल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं जलेबी लेने। शॉपिंग यहाँ ट्रेंड्स मॉल नहीं है, शॉपिंग जलेबी खरीदने जा रहे हैं। गांव ऐसा है जहाँ पे मॉल है, पता है तुम्हें? जय लेके आई जल्दी से खूब सारी। बाय। देखो पूरी गांव के रोड वोड एकदम बढ़िया प्रॉपर बनी हुई है, गाय बनी हुई है। आगे अपन चलेंगे तो वहाँ पे इतने सारे खेत हैं, वो मैं बगिया दिखाऊंगा, वो जब सब लोग चलेंगे तब दिखाऊंगा भाई, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। और सोचो हम लोग वहाँ रुकते थे रात रात भर, सारे भाई बहन खाना खाते थे और बहुत मज़े करते थे। मेरे पीछे वो रोड जाती है गाँव के बाहर, और ये पीछे पूरे खेत हैं, और ये जाती है गाँव के अंदर, यहाँ पर बगिया है हमारी, इधर साइड बगिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे इधर क्रिकेट खेलते थे हम लोग, यहाँ पे तालाब भी है। सब दिखाऊंगा आराम से, नहा धो लेता हूँ, टाइम हो गया तो नहा धो लेते हैं। इसके बाद दीदी भी आने वाली है मेरी, जो एक दीदी आने वाली थी, तो थोड़ी देर में वहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो वो आ जाएंगी, फिर अपन मंदिर जाएंगे शायद, फिर बगे वगे घूमेंगे। चलते हैं, नहाने का टाइम हो गया, नहा लेता हूँ। और क्या कह रही? पानी पानी निकाले तो वो बंद है। नहीं पानी तो है ना काफी ऊपर तक से। अच्छा नहा लेते हैं अपन और ब्रश व्रश कर लेते हैं। ऐसे नहाया मस्त समरसेबल से, और मामी का समरसेबल लग गया, तो गांव आए तो ऐसे ही नहाएंगे भाई, मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है। पहले नल में नहाते थे, अब इसमें नहाते। अपन नहा धो के रेडी हो गए हैं अभी फिलहाल, पूरे नहा धो लिए और सेम कपड़े पहने हैं, क्योंकि रुकने का प्लान नहीं था, तो मैं ज़्यादा कपड़े लेके ही नहीं आया था, एक चोड़ी पहन के और एक ये टी शर्ट और लोअर डाल के लाया था। तो निकलते हैं हम गाँव के भ्रमण के लिए, घूमते हैं हर घर में। ये हमारे दूसरे घर का गेट है, पहले दोनों एक ही के अंदर थे, बीच में फिर एक गाय वाय के लिए बनाया गया, तो उस वजह से बाउंड्री खड़ी करनी पड़ी। पागल ये का है, लीन जा, त्योहार है। आप इसके 300 वापस कर दो। ये हमारे दूसरे छोटे मामा का घर है, जो वाला घर देखा था उसके सामने वाला घर, और ये मामी हमारी भैया है। और फायदा ये होता है मेहमाने आने का, जिस घर में जाओ उस घर में पेड़ा खाओ, मिठाई खाओ, और गांव के शुद्ध बने एकदम दूध के, तो मस्त, मतलब जब भी मैं आता हूँ तो दूध पीता हूँ। ऐसा होता है कि जैसे अभी अभी दूध निकाला गाय का या भैंस का, तो वो एकदम ताजा ताजा दूध पियो। खूब सेवा होती है मेहमाने आने में, और इतने सारे मामा तो इतना अच्छा लगता है। अभी पूरे घर घर घूम रहे हम लोग, हम और मम्मी, मम्मी राखी बंधाने आई हैं। इसके बाद अपन बगिया चलेंगे। आप भी बताओ, आपके साथ ऐसा होता है जब आप माने जाते हो तो आपको खूब सारी सेवा मिलती है? लोग तरसते हैं ऐसी दाढ़ी शहर में रखने के लिए, और ये देखो ये दाढ़ी का राज है। क्या है मामा? ये डिब्बा सुपारी का, सुपारी का डिब्बा, इसको खाओ दाढ़ी बनाओ। ये देखो मेरे गाँव की खूबसूरती, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इससे सुंदर गाँव नहीं देखा कभी, हमेशा ही मेरा फेवरेट गाँव था।
कितना प्यारा लग रहा है। देखो लोग पूरा, ये क्या कर रहे हैं मामी? धान धान लगा रहे हैं, धान मतलब चावल, चावल लगा रहे हैं लोग। ये गाय खड़ी है, धान चावल ही तो होता है। वहाँ उधर पे हमारी बगिया है, ये अभी वहाँ पे जाएंगे अपन। तो गाइस देख रहे हो मेरा गांव कितना सुंदर है, मतलब मैंने कभी ऐसे इतना सुंदर गांव नहीं देखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पूरा वीडियो बनाऊंगा इसका, और अभी बगिया चलेंगे तब और अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर लग रहा है यार मेरे को तो, मेरे को मन कर रहा है यहीं बैठूं। अपनी जलेबी का आनंद लेते हुए, बहुत सारी जलेबी आ गई थी, खा रहा हूँ मस्त जलेबी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरी फेवरेट मिठाई है, काइंड ऑफ मज़ा आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है इसके साथ, अगर दही होता तो बहुत मज़ा आती, दही मिसिंग है। क्या हो गया था मामा, दिल्ली में क्या हो गया था? खो गए थे कैसे? हक्की बक्की गुम हो गई आपकी? क्या कह रहे हैं? अभी मामा अपनी कहानी बता रहे थे कि दिल्ली वो गए, तो दीदी ने बोला होगा कि एक काम करो, कुछ आगे कुछ दूध का पैकेट ले आओ, जाके आगे वाली गली से। अब जो गली ने पता थी उस गली में दुकान थी बंद, तो ये आगे गली में निकल गए, आगे वाली गली में। अब वहां पे खो गए, अब कह रहे मेरी सिट्टी बुट्टी गुम हो गई कि कोई साधु पकड़ के मेरी किडनी ना निकाले। मामा हेमा मालिनी से बात हुई थी कि नहीं आपकी? नहीं हो पाई थी? कहे मुंबई में मुलाकात होगी, कह रहे हैं साक्षी के हस्बैंड करवाएंगे। तुम्हारे साथ चलेंगे ना? हाँ मुंबई चलेंगे तो अपन हेमा मालिनी से मिलेंगे, ठीक है? अरे उससे क्या नाम? किसे? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा से? अरे बाप रे, देख रहे हो? ओफो, अब हेमा मालिनी से अपग्रेड होके आ गए प्रियंका चोपड़ा में, धीमे धीमे जवान हो रहे हैं मामा हमारे। आप एक बार आज कुर्ते पजामे में स्मार्ट लग रहे हो मामा एकदम। वीडियो दिखा दूं आपको? लो मामा की फोटो खींचते हैं अपन। सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, जल्दी से कर दो। कितनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और आपके पैर की बहुत सारी जरूरत है, तो जल्दी से जाके चैनल में ये लाल बटन को एकदम हिट कर दो, फोड़ दो, तोड़ दो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।